Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the topic electrostatic induction. It is the topic number 2 of your chapter electrostatics on a page number 107, unit 13. Now what is this? Electrostatic induction. Whenever a charged rod is touched by another conductor, charges start to flow from charged rod to the conductor. हमारे पास हम एक लेते हैं कंडक्टर, ठीक है? कंडक्टर मीन्स द बॉडी इन विच अ चार्ज कैन फ्लो. एक होता है कंडक्टर और दूसरा हमारे पास इंसुलेटर होता है. कंडक्टर हमारे पास वो बॉडी होती है जिसमें चार्जेस फ्लो कर सकते हैं. इन कंट्रास्ट हमारे पास इंसुलेटर वो बॉडी होती है जिसमें चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, ठीक. अब वो कहता है कि जब भी हमारे पास हम कोई चार्ज बॉडी लेते हैं, चार्ज बॉडी को किसी कंडक्टर के साथ इन कॉन्टैक्ट लाते हैं, ठीक. दोनों को इन कॉन्टैक्ट किया तो हमारे पास जो चार्ज बॉडी होगी वो कंडक्टर को चार्ज कर देगी, ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक बच्चू. चार्जिंग विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. यस, अब ये क्या बात कर रहा है? देखिए बच्चों, इसमें वो कहता है कि हम बॉडी को विद इन टच नहीं करते, बॉडी एक दूसरे के साथ टच नहीं करती, हम सिर्फ उन्हें एक दूसरे के सिर्फ पास लेके आते हैं, नॉट टू मच क्लोज, राइट. अब जब हम उन्हें पास लेके आएंगे तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. हियर क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हमारे पास ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता तो हमारे पास कॉन्टैक्ट करने वाला प्रोसेस कौन सा है? सिर्फ कंडक्शन जो होती है ना, कंडक्शन, चार्जेस की कंडक्शन होना, दैट इज द प्रोसेस जिसमें हमारे पास बॉडी इन कॉन्टैक्ट होती है, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आती है और तब हमारे पास चार्जेस ट्रांसफर होते हैं. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में बॉडी चार्ज होती है विदाउट द रियल कॉन्टैक्ट, क्लियर. अब कहता है कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो रहा है, दैट्स ऑन योर पेज नंबर 108, दैट्स फिगर 13.5. उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. कहता है आपने क्या करना है, कंसीडर अनचार्ज न्यूट्रल कंडक्टर स्फीयर एट रेस्ट इंसुलेटिंग स्टेन. हम एक स्फीयर लेते हैं, आप देखें आपके पास वहां भी स्फीयर्स लिए हुए हैं, यहाँ आगे भी डायग्राम है. हम एक न्यूट्रल स्फीयर ले रहे हैं, ठीक, जो कि हमारे पास कंडक्टर है, एक ऐसा कंडक्टर जो कि इंसुलेटर है, मीन्स उसके ऊपर वो जो स्फीयर है सिर्फ वही कंडक्टर है जो हम नीचे स्टेन ले रहे हैं, दैट इज इंसुलेटर. Suppose a negatively charged rod is brought near to the conductor without touching it. अब हमने क्या करना है कि हम कोई भी negatively charged body लेके आ रहे हैं, एक rod लेके आ रहे हैं, किसके around? उस sphere के around. अब क्या होगा? The negative charge of a rod repel the electron in a conductor to the opposite side. अब हमारे पास जब body उसके करीब आएगी ना, तो हमारे पास वो conductor पहले neutral था. Neutral body के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी. अब जब हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को उसके पास लाएंगे तो हमने दूसरी बात जो लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी वो ये थी, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, यही पढ़ा था ना. तो हमारे पास उस स्फीयर में जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो दूर दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो रॉड की साइड पे आ जाएंगे, ठीक है. आप बुक में डायग्राम भी देखें साथ साथ कि हमारे पास जब हम रॉड लेंगे, नेगेटिवली चार्ज रॉड लाएंगे न्यूट्रल बॉडी के पास, तो न्यूट्रल बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो रॉड की तरफ आ जाएंगे, ठीक, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, व्हाइल नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड द अदर साइड. क्लियर बच्चू? ओके. अब कहता है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग टू द चार्ज रॉड द फ्री इलेक्ट्रॉन वर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड नेट चार्ज वर जीरो. वही बात जो मैंने आपको बता दी कि जब हमने वहां पे चार्ज रॉड नहीं लाया था तो क्या था, वहां पे होल द बॉडी वॉज न्यूट्रल. हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब इक्वल होते हैं तो तब हम क्या कहते हैं, बॉडी इज न्यूट्रल. अब कहता है वंस द चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर टू द कंडक्टर द डिस्ट्रीब्यूशन इज नो लॉन्गर यूनिफॉर्म विद मोर इलेक्ट्रॉन लोकेटेड ऑन द फर्दर साइड ऑफ द रॉड एंड पॉजिटिव आर लोकेटेड टू द क्लोजर रॉड बट द टोटल इज जीरो. अब कहता है जब हम क्या करते हैं, एक चार्ज रॉड को लेके आते हैं हमारे पास न्यूट्रल बॉडी के पास, तो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ बात की कि वो नेगेटिवली चार्ज रॉड है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स दी नेगेटिव आ जाएंगे न्यूट्रल बॉडी के और नेगेटिव चार्ज दूसरे साइड पे चले जाएंगे. लेकिन हमारे पास याद रखने की बात यह है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज
जीरो ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास कोई चार्ज नहीं जा रहा है, जस्ट उनकी मेंटेनेंस हुई है, एक उन्होंने अपने पोल्स चेंज किए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। नाउ द कंडक्टर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है ना, पहले हमने उसे इंसुलेटर पर रखा हुआ था, उसकी ग्राउंडिंग नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था, राइट? तो अब हम क्या करते हैं, अपने इंसुलेटर को, अपने उस स्फीयर को ग्राउंड कर देते हैं। जब हम उसे ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंडिंग का मतलब होता है एक तार लेके ना जमीन के साथ लगा देना, ठीक है? इस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं, ग्राउंडिंग। इससे क्या होता है बच्चों, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है ना, जैसे जब किसी को करंट लगता है तो हम क्या कहते हैं कि जमीन में खड्डा खोदो और उसमें डाल दो। व्हाई? जो हमारे पास एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है वो जमीन एब्जॉर्ब कर देती है। अर्थ इज द एब्जॉर्बर ऑफ द चार्जेस, राइट? सिंस द ग्राउंड कैन ऑलवेज रिसीव एनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्राउंडिंग रिमूव्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्टर स्फीयर। वही बात, हमारे पास जो ग्राउंड होता है, कितनी भी अमाउंट के इलेक्ट्रॉन उसे मिले वो उसे रिसीव करता है, और हमारे पास जो बॉडी होती है उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और वो बिकम अगेन बिकम द न्यूट्रल। नो दैट पॉजिटिव चार्ज विल नॉट फ्लो टू द ग्राउंड बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज इन द प्रतिरोध। अब वो क्या कहता है, हमने ये जो लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था ना, जिसमें मैंने आपको मीन्स जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है, कि इसमें क्या होगा, अगर हम इसी बॉडी को ग्राउंड कर देते हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उन्हें तो रॉड अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो वहीं पे रहेंगे। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब थर्ड केस आ जाता है बच्चों, व्हेन द ग्राउंडिंग वायर इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंडक्टर द पॉजिटिव चार्ज रिमेन देयर एंड चार्ज्ड बॉडी। अब हमारे पास कहता है अगर हम ग्राउंडिंग को अब रिमूव कर देते थर्ड स्टेप में, अब पहले हमने क्या किया, बॉडी को चार्ज किया, दूसरा चार्ज लेके आके फिर हमने उसे ग्राउंड किया, ग्राउंड करने से क्या हुआ कि नेगेटिव चार्जेस रिमूव हो गए। अब हमारे पास क्या हुआ कि रिमूव, जैसे ही नेगेटिव चार्जेस रिमूव हुए, हमने बॉडी के साथ से ग्राउंडिंग को हटा दिया, तो वहां पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाते हैं, राइट? अब स्टेप नंबर 4, नाउ द चार्ज रॉड इज टेकन अवे फ्रॉम द कंडक्टर। अब हम चार्ज रॉड को हटा देते हैं। एज सून एज द चार्ज रॉड इज रिमूव्ड, द पॉजिटिव चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बाय दिस प्रोसेस द नेचुरल कंडक्टर स्फीयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ये वो प्रोसेस है जिससे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक बच्चों, अब देखें आप यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ सारे का सारा। सबसे पहले हमने एक बॉडी ली, ठीक, ये हमारे पास क्या थी, इट वॉज न्यूट्रल, राइट? हम ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लाए तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आ गया, अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और नेगेटिव दूसरी तरफ आ गया। अब हमने उस स्फीयर को ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड किया तो उसके बाद नेगेटिव चार्ज जो है वो चले गए जमीन में, अर्थ हो गए, ग्राउंड हो गए, बाकी क्या रह गए, पॉजिटिव चार्ज। अब हमने जैसे ही हमें हुआ कि हाँ जी नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गए, वी जस्ट रिमूव द इंसुलेटिंग वायर, हमने ग्राउंडिंग हटा दी, अब हमारे पास ये जो स्फीयर है इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर बच्चों?